क्या आपको पता है WWW और वेब सर्वर के बीच में क्या वर्क करता है? मैं आपको बताती हूँ WWW और वेब सर्वर के बीच में करता है प्रोटोकॉल काम, जिस प्रोटोकॉल को हम बोलते हैं HTTP। अब आज की वीडियो में आप समझ ही गए होंगे मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ HTTP। सो वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। हेलो एवरीवन, दिस इज नीताश चतुर्वेदी, वेलकम टू यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल दैट इज इजी लर्निंग। और जैसा कि मैंने आज आपको बता ही दिया कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ HTTP। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में ये प्रोटोकॉल काम करता है। ये प्रोटोकॉल एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, कम्युनिकेशन करने का काम करता है हमारे वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में। अब वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये मैं आपको वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको अभी भी नहीं पता तो वो वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से वीडियो पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज मुझे आपको बताना है HTTP। देखिए प्रोटोकॉल्स मैंने क्या होते हैं ये मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ। HTTP हमारा होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये हमारे वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन करने का काम करता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है सीधा सा बातचीत, यानी आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर आदान प्रदान कर सकते हैं बातों को। या फिर फॉर एग्जाम्पल आपको टेक्स्ट भेजना है, ऑडियो वीडियो, ये सारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए हमें जिस प्रोटोकॉल की नीड होती है, जिस प्रोटोकॉल की जरूरत होती है, उस प्रोटोकॉल को हम बोलते हैं HTTP। ये प्रोटोकॉल हमारे वेब सर्वर और WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के बीच में इंटरफेस है, एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है WWW एंड वेब सर्वर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है। कौन करता है? HTTP। HTTP हमारा वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का काम करता है, और ये हमारा WWW वेब सर्वर के बीच में वर्क करता है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। देखो जैसा कि नाम से क्लियर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसा कि नाम से क्लियर है टेक्स्ट को ट्रांसफर करने के लिए प्रोटोकॉल मैंने क्या बताया था, नियम है यानी रूल्स है, कुछ सेट ऑफ रूल्स है जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को, टेक्स्ट को, डॉक्यूमेंट्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए बने हुए हैं। आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपने गूगल पर, यूट्यूब पर मेरी वीडियो को सर्च किया है, या आपने किसी लिंक पर क्लिक करके मेरी वीडियो तक पहुंचे होंगे, तो आप एक तरह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंच ही तो रहे हो, तो ये क्या हो गया, ट्रांसफर ही तो हो रहे हो। तो उस ट्रांसफर के लिए मुझे क्या यूज करना होता है, HTTP। देखो जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन को गूगल पर सर्च करते हो, गूगल यानी हमारा सर्च इंजन, या फिर आप किसी भी टाइप और सर्च इंजन पर हमारी इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हो, तो जो आपका टेक्स्ट बार आता है ऊपर, ठीक है, जिसे मैं एड्रेस बार बोलती हूँ, आपने देखा होगा ये एड्रेस बार होता है, और इस एड्रेस बार में आपके लिखा होता है HTTP इस तरीके से, और फिर आपका होता है URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो आपका वेबसाइट का, किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है। ये सारी चीजें मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, नहीं पता तो आप वीडियो के लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। अभी मैं आपको बता रही हूँ HTTP क्या होता है। HTTP हमारा ये एड्रेस बार में शो होता है, और ये हमारी इन्फॉर्मेशन, जो भी हमने लिखा है वेबसाइट का नेम या किसी भी डोमेन का नेम, कुछ भी हम इन्फॉर्मेशन को सर्च कर रहे हैं, वो यहाँ आ जाता है, जैसे www.google.com। ये HTTP आगे लगा होता है, तो HTTP हमारी इन्फॉर्मेशन को, टेक्स्ट को ट्रांसफर कराने के लिए यूज हो रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। समझ में आया? अब देखिए जब आप
इन्फॉर्मेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर सेंड करेंगे तो आपको भी पता है आज के टाइम में फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ मनी सेंड कर रही हूँ, कुछ ट्रांजेक्शन कर रही हूँ रुपीज का लेन देन। अब जब मैं रुपीज सेंड करूंगी मुझे आपको सेंड करनी है, आप इन बिटवीन बीच में कोई हैकर बैठा है तो मैंने मनी सेंड करी, सपोज मैंने 10,000 रुपीज आपको सेंड किए, बीच में कोई हैकर है तो वो 10,000 रुपीज वो ले लेगा ना, मैंने तो आपको किए, मेरे अकाउंट से तो वो आपको ट्रांसफर हुए लेकिन वो आप तक पहुंचे नहीं, आप बोल रहे हो आप तक पहुंचे नहीं, मैं बोल रही हूँ मैंने सेंड किए तो गए कब, बीच में कोई हैकर बैठा होगा वो जो मनी का ट्रांजेक्शन है वो उसके पास चला गया। सिमिलरली ऐसे ही आपकी कोई मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको पर्सनल कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ, किसी ने हैक कर लिया, किसी ने मेरा डेटा इनक्रिप्ट कर लिया, चुरा लिया किसी टेक्निक के द्वारा, अब मेरे पास तो नहीं, मैंने अपनी अपना समझ के आपसे कोई पर्सनल बात शेयर करी पर वो किसी और को भी तो पता चल सकती है, तो उसके लिए क्या है कि हम HTTP के थ्रू जब भी हम कुछ वेबसाइट या वेब सर्वर पर सर्च करेंगे तो हमारी डेटा हैक होने के 99% चांसेस होते हैं। इसी वजह से जब ये वाली प्रॉब्लम आने लगी हैकिंग की कि हम डेटा सेंड कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं लेकिन बीच में से हैक हो जाता है हमारा डेटा, तो जो साइंटिस्ट थे, जो प्रोग्रामर्स थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने HTTP में एक S लगा दिया जिसको हम बोलते हैं HTTPS। क्या बोलते हैं? HTTPS। अब ये S का मतलब क्या है? HTTP और S, ये S का मतलब है सिक्योर। जैसा भी मैंने आपको पढ़ाया HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिमिलरली HTTPS का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। बस आपकी यहाँ पे सिक्योरिटी भर जाती है, सिक्योर, समझ में आया? आपकी क्या भर जाती है यहाँ पे? सिक्योरिटी, सिर्फ सिक्योरिटी भर जाती है, बाकी सारी चीजें वही है। अब देखो सिक्योरिटी का फायदा क्या है, आप अब मैं आपको अभी ट्रांजेक्शन कर रही हूँ कोई भी मनी या किस कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे पर्सनली शेयर कर रही हूँ तो बीच में से आपकी हैक नहीं होगी, हैक होने के चांसेस ना के बराबर है। अब देखो जब भी आप अपने मोबाइल लैपटॉप वगैरह में देखना आप कोई भी इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हो तो एड्रेस बार में यहाँ पे HTTPS आता है जब भी, तो यहाँ पे एक लॉक होता है, यहाँ पे एक एड्रेस बार में आगे लॉक होता है और ग्रीन साइन होता है। जो लॉक होता है इसका मतलब होता है कि आपका जो HTTPS है सिक्योर है, आप एक सिक्योर प्रोटोकॉल के थ्रू इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हो, कोई भी चीज को सर्च कर पा रहे हो। इससे आपका डेटा इनक्रिप्टेड है, यानी एक कैप्सूल, इनक्रिप्शन का मतलब होता है कैप्सूल में बाउंड है, कि आपने कोई कैप्सूल में, सपोज इनक्रिप्शन का मतलब क्या है, आप कोई दवाई खाते हो वो इनकैप्सुलेटेड तो होती है, वो कैप्सूल में बाइंडिंग तो होती है, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन है, वो आप खाओगे तो आपको ही तो फायदा करेगी, वो डॉक्टर को पता है कि उसने क्या मिलाया है, साइड मतलब जो भी जिसने भी वो दवाई बनाई है उसको ही पता है कि उसने कैप्सूल में क्या मिलाया है, आपने खाया है तो आपको पता है कि भाई मैंने क्यों खाई है, लेकिन इन बिटवीन तो किसी को नहीं पता। सिमिलरली जब आप डेटा को सेंड कर रहे हो इनक्रिप्टेड फॉर्म में HTTPS के थ्रू तो आपने सेंड की पर्सनल इन्फॉर्मेशन और जिसने रिसीव की सिर्फ उसको पता है, बीच में वो ओपन नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि वो इनक्रिप्टेड है, बाउंडेड है, एक कैप्सूल की फॉर्म में, किसके थ्रू? HTTPS के थ्रू। आई होप सो आपको ये समझ में आया हो, HTTP और HTTPS का मतलब यही होता है, HTTP जो सिक्योर नहीं है, HTTPS जो सिक्योर है। अब देखो जब आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो वेबसाइट बनाने के लिए जब आप HTTP के थ्रू बना रहे हो क्योंकि वो लेस सिक्योर है तो आपसे लेस इन्फॉर्मेशन लेगी। जब आप रजिस्टर करोगे कोई भी HTTP की साइट पे तो आपसे वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिमिटेड लेगी, लेकिन जब आप HTTPS पर बनाओगे तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी आपका आधार कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे लेगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेगी। इसी वजह से चीजों को मैच करने में ज्यादा टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आप कोई जगह रजिस्टर करते हो वो सिर्फ आपसे आपकी नेम और रोल नंबर मांग रहा है, आपको रिजल्ट वगैरह सर्च कर रहे हो, नेम और रोल नंबर मांग रहा है, तो वो आपका एक
सिक्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ दो चीजें मांग रहा है आपसे, दो चीजों में आपको ओपन करके दे रहा है और आप ऊपर भी देख सकते हो, आपसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लेता। उसने अपना जो डेटाबेस है वहां से कम चीजों को मैच करा, कम चीजों को मैच करके आपको ओपन करके दे दिया। लेकिन जब आप HTTPS में बनाओगे तो HTTPS में आपसे आपकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन को लेगा। जब ज्यादा इन्फॉर्मेशन को लेगा तो जब आप लॉग इन करोगे तो वो ज्यादा इन्फॉर्मेशन को मैच करेगा। जब ज्यादा इन्फॉर्मेशन को मैच करेगा तो वो ज्यादा टाइम लेगा। इसी वजह से HTTP, मैं ये कहना चाहती हूँ एट द एंड, HTTP हमारा फास्ट होता है, HTTPS हमारा स्लो होता है। फास्ट क्यों होता है मैंने अभी बताया, क्योंकि वो कम चीजों को, कम इन्फॉर्मेशन है, लेस सिक्योर है, तो वो कम चीजों को मैच करता है। और HTTPS हमारा ज्यादा चीजों को मैच करता है क्योंकि हमने उसने हमसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन ली है। आई होप सो आपको ये HTTP और HTTPS अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आगे के जो प्रोटोकॉल्स हैं FTP, SMTP वगैरह, ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। थैंक यू सो मच। लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका राइट आंसर है डॉट, और ये आंसर मुझे प्रथम और यश ने बिल्कुल करेक्ट दिया है, वेल डन बेटा। और आगे आज का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट स्लाइड में देखती हूँ, आप उस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नेम भी इसी तरीके से अनाउंस करूंगी। थैंक यू सो मच।